साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। नींबू की हस्त बहार, जी हाँ, मैंने पहले बताया था इससे पहले वाली नींबू की वीडियो में कि 1 सितंबर से हमें नींबू की हस्त बहार की तैयारी करनी है। हमें क्या तैयारी करनी है वो मैंने अपने 2 लेख, एक है PDKV अकोला का नींबू की हस्त बहार का और एक है नावेद जी ने जो मुझे बताया था, मैंने लिखा है हमारी वेबसाइट पर वो, और 2 वीडियो, उन दोनों वीडियो में और लेख में इसकी विस्तृत से चर्चा की गई है। इसलिए मैं इस पर एक संपूर्ण वीडियो नहीं बना रहा हूं, बल्कि उस पर सारांश में बता रहा हूं। किसान साथियों, अब जिन लोगों के पेड़ 3 वर्ष से बड़े हो गए हैं और वो हस्त बहार की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उनको क्या काम करना है कि आपको कैनोपी के आसपास ये देखिए सफाई करनी है, और जहाँ तक कैनोपी है यहाँ तक कैनोपी से थोड़ा 1 फीट अंदर तक इस पूरे बगीचे में गहरी गुड़ाई करिए। गुड़ाई कैसी होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, और गहरी गुड़ाई कर जो उसकी द्वितीयक जड़ें होती है भोजन वाली वो सब कट जाएंगी, और उससे हमारे पौधे में भरपूर मात्रा में फल लेने में जब हम खाद पानी की व्यवस्था करेंगे तो भरपूर फल देने में सहायक होंगी। तो पहला कार्य आपको ये करना है, 1 सितंबर से 20 सितंबर तक आपको पानी नहीं देना है और इसकी गहरी गुड़ाई कर छोड़ देना है। दूसरा कार्य ये करना है, जो अगली वीडियो आएगी 15 तारीख को, वैसे तो हमने ये सब पहली वीडियो और लेख में बताया हुआ है कि उम्र के हिसाब से कितनी खाद की तैयारी करनी है, लेकिन 15 तारीख के आसपास मैं फिर एक वीडियो बनाऊँगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो मुझे WhatsApp पर कर दीजिए, उन सब का उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। अब गुड़ाई कैसी करनी है आइए ये मैं आपको दिखाता हूँ। किसान साथियों, ये मेरा 2.25 माह का पेड़ है और मैं इसमें बिल्कुल गुड़ाई करूँगा। मुझे ये नहीं है कि इस पर फल आएंगे, मुझे अभी नावेद भाई ने बताया कि 3 साल से पहले नहीं लेने चाहिए, पर मुझे उम्मीद है इस पर पूरे फल आएंगे और मैं कोशिश करूँगा। अब आप इस खेत को देखिए, इसके आसपास मैंने गहरी काफ़ी गुड़ाई करवा दी है, ये देखिए पूरी गुड़ाई करवा दी है। जो इसकी जड़ों के पास है ये मैंने थोड़ी जो अवांछित टहनियाँ थी उनको काट दिया है, और इसकी जड़ों के पास भी मैं कल से पूरी इसको गुड़ाई करवा दूंगा, जो खुरपे से होगी, क्योंकि अंदर मेरा पावर टिलर नहीं जा सकता। लेकिन आप देखिए, ये मैंने जो मेरे नए CCRI के पौधे थे, जो फूले शरबती है, ये फूले शरबती है और साई शरबती इस लाइन में लगाया है, जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो इनको मैं हटा दूंगा, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, गुट्टी वाले पौधे हैं। किसान साथियों, इस प्रकार गुड़ाई कर आप छोड़ दीजिए, और इसको 20 तारीख को हम इसमें खाद लगा कर, जो खाद कैसे लगाएंगे उस सब का विवरण हमने अपने लेख और पुरानी वीडियो में दिया गया है, जिस वीडियो को आप ऊपर भी देख रहे हैं और मैं स्क्रीन पर भी इसका नाम और नंबर बता रहा हूं। इन वीडियो को ध्यान से देखिए, लेखों को पढ़िए और अपनी हस्त बहार की तैयारी शुरू करिए। किसान साथियों, ये भी हो सकता है कि 1 से 20 तारीख के बीच कुछ भागों में बारिश हो जाए, उसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे कि जब आपका ताव नहीं आ सका, जो हम ये इसमें पानी नहीं दे रहे हैं इसे ताव देना कहते हैं पौधे में, हम पौधे को बताएंगे कि हम अब आपसे फसल लेना चाहते हैं। अगर असमय बारिश हो गई, उसका भी एक लेख हमारी वेबसाइट पर है कि प्रतिकूल मौसम में हस्त बहार कैसे लें, लेकिन अगर बारिश हुई तो उसको भी हम बताएंगे। किसान साथियों, मेरा एक आप लोगों से निवेदन है, WhatsApp पर मुझे लोग एक एक करके बात बताते हैं और मुझे पूरी बात नहीं पता चलती। जैसे कि मुझे वो लोग एक पत्ता दिखाएंगे, कहें इसमें क्या बीमारी है, न तो मुझे पौधे की उम्र का पता है, न ये पता है इसमें इसने क्या दवाई डाली थी, कब खाद दिया था, कितनी दूरी पर हैं, कितनी उम्र का पौधा है, ये मुझे कुछ भी पता नहीं होता। क्या ये बाग का पौधा है या घर का पौधा है, कि मैं इन सब का उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए मैंने एक प्रारूप बनाया है जिसको मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और इसका लिंक हमारी वेबसाइट पर भी होगा।
आप इस प्रारूप के अंतर्गत इसको पढ़ें और अगर आपकी कोई समस्या हो तो मेरे को केवल व्हाट्सएप करें। अब मैं जो नंबर है मेरा व्हाट्सएप का 9910336138, फिर रिपीट करता हूँ 9910336138, जो मेरी वेबसाइट पर भी है उस पर आप पूरी जानकारी के साथ मुझे लिखिए। अगर आवश्यक हुआ तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, नहीं तो जवाब दूँगा। लेकिन अगर आपने पूरी जानकारी नहीं दी तो मैं जवाब देने में असमर्थ हूँगा और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। किसान साथियों, मेरा जो शौक है वो है आप लोगों को शिक्षित करना, वीडियो के माध्यम से और लेख के माध्यम से। पिछले कुछ महीनों से मेरा ये कार्य रुका हुआ है, इसलिए मैं अब इस पर ध्यान केंद्रित करता जाता हूँ। इसलिए कोई भी भाई अगर मेरे से बात करना चाहता है तो वो अपनी पूरी समस्या लिखे तो मैं उससे जहाँ तक हो सकता है मैं बात करूँगा, लेकिन मुझे कॉल न करें। मेरी अपनी समस्याएं हैं, मेरी उम्र है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां हैं, थोड़ी बाहर की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए इतना कार्य मैं नहीं कर सकता और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, अगर आप अपनी समस्या को पूरा विवरण के साथ व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको उत्तर देने की भरसक कोशिश करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये कार्य सक्सेसफुल होगा। और मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे इस नंबर पर कॉल न करें, व्हाट्सएप पर भेजें और अपनी हस्तभार की तैयारी करें। उसके लिए जो वीडियो बताई है उसको देखें, बार बार देखें, नोट बनाएं और उस पर लेख पढ़ें। अगर कोई समस्या है फिर भी उसमें आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे व्हाट्सएप पर पूरा लिख कर भेजें। नंबर जो मेरी 15 सितंबर को वीडियो आएगी उसमें मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कितना खाद, क्या क्या खाद किस मात्रा में डालना है, जबकि ये हमने अपनी वीडियो और लेख में लिखा हुआ है। किसान साथियों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।